तो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो 2023 और 25 सेशन का यहाँ पे इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए यानी 11th क्लास में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से भरा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जहां पे ये अपना फॉर्म भर रहे हैं तो इनके साथ तरह तरह की परेशानी आ रही है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और उसके सुधार के बारे में, उसके निदान के बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। जैसे कि मैं सबसे पहला बीमारी यहाँ पे बता दूं इस फॉर्म में क्या रहा, तो एक तो व्यावसायिक, मैंने पिछले वीडियो में आपको, कल के वीडियो में, मैंने परसों के वीडियो में, दो वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये क्या परेशानी आ रही थी जो कॉमन एप्लीकेशन नॉट बी सबमिटेड प्लीज ट्राई अगेन करके ऑप्शन आ रहा था, तो वो इरर आ रहा था, वो तो परेशानी दूर हो गया। अब यहाँ पे अगर अब कॉमन एप्लीकेशन जो फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया जा रहा है वो खोल के सारा डिटेल यहाँ पे सबमिट करके और नीचे स्क्रॉल करके आप जो है यहाँ पे कॉलेज वगैरह ऐड करके यहाँ पे फी वाले बटन पे क्लिक कर रहा है, तो एक तो पहला बीमारी यहाँ पे ओपन आ रहा है कि ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को ओटीपी रिसीव ही नहीं हो रहा है यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके ऑप्शन आ रहा है, और दूसरा परेशानी यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर्ड अगर हो भी जा रहा है तो हमारा जो यूजर आईडी पासवर्ड मिल रहा है उसके माध्यम से हम यहाँ पे लॉग इन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉग इन करने के बाद हमारा जो यहाँ पे फोटो होता है कैंडिडेट जहाँ हमारे कॉमन एप्लीकेशन में फोटो किसी और का आ रहा है, रोल नंबर, रोल कोड, नेम वगैरह सारा जो है स्टूडेंट का आ रहा है और यहाँ पे फोटो किसी और का आ रहा है। साथ ही में उतना ही नहीं, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है गाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कुछ और यहाँ पे आ रहा है कुछ और। जी हाँ दोस्तों, इसका लाइव प्रूफ मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने कॉमेंट सेक्शन में चलता हूँ अपने वीडियो के, और वहां पे आपको कैसे स्टूडेंट वहां पे जो अपने परेशानी को रख रहा है वो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जैसे कि मैंने वेस्टर्डे वाले वीडियो में मैंने एक पोस्ट दिया था कि जो एप्लीकेशन में एरर आ रहा था उसके माध्यम से, तो यहाँ पे आप मेरे ये वाला मेरा वीडियो देखेंगे, वेस्टर्डे मैंने यहाँ इसको अपलोड किया और यहाँ पे इस पे जो भी व्यूज आया उसमें यहाँ पे 57 कमेंट मिले हुए हैं, देख सकते हैं 57 कमेंट। अब इसमें मैक्स जो कमेंट है गाइस यहाँ पे मैक्स वही परेशानी है जो मैं बता रहा हूँ, ओटीपी का प्रॉब्लम, और दूसरा जो सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पे सारे लोग, जैसे ये लड़का यहाँ पे देख सकते प्लीज हेल्प मी ब्रो सॉल्यूशन, ओटीपी आ गया न्यू लिंक से लेकिन जब लॉग इन किए तो फोटो जो अपलोड किए थे वो नहीं है, मैंने दो फॉर्म कल अप्लाई किया तो था दोनों का फोटो चेंज है जबकि मैंने सिस्टर का फोटो अपलोड किया था, ऐसे क्यों है हुआ ब्रो प्लीज रिप्लाई मी। इसका रिप्लाई मैंने किया जो भी मुझे समझ में आया, और उसके बाद से आंसर जो फॉर्म भरने में दूसरे किसी का फोटो लग गया है क्या करें। देखिए यहाँ पे हो रहा है परेशानी, वही नहीं यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट है सबके साथ यही प्रॉब्लम है, फोटो का एरर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे गाइस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का एरर आ रहा है। मेरा फॉर्म यहाँ देखिए, मेरा फॉर्म ड्राफ्ट में हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट कैसे होगा, ये सारी परेशानी आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन नंबर पता नहीं चल रहा है सर, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा हूँ उन लोगों का, यहाँ पे देखिए मेरा फोटो चेंज हो गया है सर, हो गया है अपने आप, यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा, ये देखिए मेरा फोटो चेंज हो गया अपने आप, ऐसे ही इसका भी, इस कैंडिडेट का भी डर है, ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइव आपको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। सो गाइस इसका सॉल्यूशन एक ही चीज दिख रहा है कि बिहार की जो वेबसाइट है बहुत घटिया किस्म की है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी बेकार की साइट कोई नहीं आती है। जो भी यूट्यूबर होंगे या जो भी यहाँ पे इस वेबसाइट पे काम करते होंगे, मीन्स जो जितने सारे यहाँ पे जो है इसका वेबसाइट है, मीन्स बिहार का जो भी लेटेस्ट अपडेट या कोई भी जॉब से रिलेटेड या कोई भी एडमिशन वगैरह से रिलेटेड आता है तो इसी तरह की वेबसाइट आती है, परेशानी होती है गाइज यहाँ पे। मेरे जो एक भाई है मेरे दिलीप भाई, जो उनका यूट्यूब चैनल आपके बारे में हो सकता है आप जानते होंगे, डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, उन्होंने भी अभी मैंने देखा, उन्होंने भी वीडियो पोस्ट किया है, उनके वीडियो में उन्होंने बताया स्पष्ट कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सो मैं भी यही बात कहने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक ही उसका ऑप्शन है, अगर आप ट्विटर पे ट्वीट करके, मींस हजारों की संख्या में अगर आप स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ट्विटर पे ट्वीट करें कि हमारे साथ ये परेशानी हो रहा है, ट्विटर हैंडल पे जाकर के ट्वीट करें। आप कैसे ट्वीट करना है मैं भी आपको जानकारी दे देता हूँ कैसे ट्वीट करेंगे, अगर आपके पास, आई होप कि आप, मुझे पता है कि क्योंकि आप अगर 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे कहते हैं ना कि आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे स्टूडेंट के पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे फटाफट अपने पेरेंट्स के ट्विटर अकाउंट से या अपने फ्रेंड्स हो तो उसके ट्विटर अकाउंट से, या अगर आपके पास सुविधा है तो एंड्रॉइड मोबाइल में ट्विटर अकाउंट ओपन कर लें, और ट्विटर अकाउंट ओपन करने के बाद आपको कैसे ट्वीट करने हैं इसकी जानकारी मैं यहाँ पे देने वाले। जैसे मेरा यहाँ पे ट्विटर अकाउंट, यहाँ पे मैंने भी मीन्स ऑफिशियल जो मेरा ट्विटर अकाउंट था वो नहीं था, आज ही के डेट में मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने पोस्ट भी कराया, देख सकते हैं सत्येंद्र सिंह करके, यहाँ पे मैंने किन के पास पोस्ट किया ये आप देखेंगे गाइस, यहाँ पे पोस्ट मैंने ये पोस्ट किया है, डियर ट्वीट किया मैंने, डियर सर ऑफर्स की वेबसाइट में सुधार किया जाए, कोई भी फॉर्म सही से सबमिट नहीं हो रहा है। अब किन के पास करना है तो देखेंगे, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बिहार के एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है बीएससीबी की,
उसका यहाँ पे है, मैंने पोस्ट यहाँ पे मैंने उनको टैग किया है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे जो ये मीन्स ये आपको बताएंगे जो तीन ट्विटर अकाउंट है, मीन्स जिनके पास ट्वीट करना है, जिनको टैग करना है, उनका यहाँ पे मैं अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप इनको तीनों को यहाँ पे टैग करेंगे, और साथ ही में मैं आपको और भी दो चार दे देता हूँ, जैसे कि ऑफिस सीएम बिहार दीपक सर का जो है, दीपक सर के IAS है उनका, टीचर ऑफ और बिहार जिनका अकाउंट है, मैं यहाँ पे तीन चार अकाउंट आपको दे दे रहा हूँ। वहां पे वे आपको कैसे करने हैं, तो सिंपली आप अपने ट्विटर अकाउंट में ओपन करेंगे, आपको ट्विटर में सिंपली यहाँ पे जैसे ट्वीट करने का यहाँ पे ऑप्शन आता है, लेकिन वहां पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लस करने के आप देखेंगे, प्लस करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लस करेंगे, जो मैंने अकाउंट दे रखा है कि इस पे ट्वीट करना है, तो उसको फाइनली यहाँ पे कॉपी करेंगे, और कॉपी करके यहाँ पे जैसे मैंने मीन्स यहाँ पे जैसे मैंने दो अकाउंट तीन अकाउंट मैंने दे रखा है, तीन चार पांच छह जो जो भी है, आपको तीन ऊपर से तीन अकाउंट पे तो कंपलसरी आप उस पर ट्वीट करिए करिए। कैसे ट्वीट करना है, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जैसे मैंने पेस्ट करा। अब आपके पास जो परेशानी है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट